अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं इस तरह कि इसको जो है ना, इसको हमने करवाना है रैप, और रैप पहले पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद रैपिंग वाली साइड पे जाएंगे। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये सारी रैप हो जाएगी, मतलब इसी तरह लगेगी, लेकिन इसके ऊपर PPF चढ़ जाएगा कि इसको फिर स्क्रैच वगैरह नहीं आएगी। ये देखें पेट्रोल इसका, गंदी भी हुई हुई है, तो इसको बाद में धोएंगे भी आके। और अभी नंबर शंबर नहीं लगा दिया हुआ है, नंबर आ गया, प्लेट्स नहीं आई, एंड लेट्स गो सी क्या होता है आगे अब। और हेलमेट मैं पहन लिया है मैंने, बल्कि नहीं पहना, अभी पहनना है। पेट्रोल पंप तक चली जाए, जितना इसका पेट्रोल है ना, मुझे लग नहीं रहा के जाएगी। एंड लेट्स गो, आपसे मिलते हैं पेट्रोल पंप वाली साइड पर। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं पेट्रोल डलवाने, रश इतना नहीं है, लेकिन देखते हैं कितने का डलता है। और पिछली दफ़ा तो ये आई गैस फुल हमारी हो रही थी 1800 की ना, और इस दफ़ा का अभी पता नहीं है। ये भी और महंगा होगा 270 तक, ये 3000 से ऊपर ना जाए। क्या हुआ है? पूरा करें बाल लीटर कर दें। अच्छा, ये 12 लीटर पूरा डला है 1820 रुपये का। और अभी हम स्टार्ट करेंगे तो ये फुल हो जाएगी, सो लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाऊँ फुल जो हुआ है ना, ये देखो। चलो जी, अब ये आई गैस हमारा टाइम ज़्यादा निकाल जाएगी, बंद हो गया। अब ये देखें, बहुत लग जा भाई, ये ये जो होती है ना, ये होती है लड़कों की खुशी जब ये चीज़ फुल होती है। अभी गाड़ी की भी करवाऊँगा मैं, जाके जाते हैं फिर, शायद इसको मैं धो भी लूँ आज। अच्छा, अब हम वापस आए पेट्रोल लगा के घर। अब यहाँ से हम निकलेंगे इसके रैप के लिए। हाँ, आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताऊँ, मुझे सब कह रहे थे कि 125 ले लो, 125 ले लो, ये बाइक नहीं सही, ये प्लास्टिक का है, ये इस तरह का है, ये इस तरह का, ये गिरेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो आपको चीज़ दिल से पसंद है वो लो। अब मुझे नहीं, ये प्लास्टिक है, ये कुछ प्लास्टिक नहीं, ये फाइबर का है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये गिरे ना गिरे, लेकिन मेरा शौक है, मैंने लिया, दैट्स इट। और इसकी पावर 125 से ज़्यादा है, जो मुझे लगती है, जो मैंने चला के नोटिस किया है, बाकियों का मुझे नहीं पता। खैर, आई लाइक दिस बाइक। अब चलते हैं इसके रैप की तरफ। और धूप यार बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ना इसको वॉश करके मैं लेके जाऊंगा वहाँ पे। हाँ, वॉश, अभी मैं वॉश करता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट में वहीं पे मिलते हैं। इसको करवा रहे हैं हम लोग फुल, वो PPF जो नहीं होता रैप, वो वाला, मतलब ये लगेगी इसी तरह, लेकिन इसके ऊपर वो आ जाएगा प्लास्टिक का। तो साथ साथ करते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता भी रहता हूँ। ये होपफुल कि जल्दी हो जाए, फिर हम घर को जाएँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा धूप है। कलर और था, मतलब अगला, तो उसको हमने किया है मैच इस कलर के साथ। तो वह देखिए, मैं सही कलर मैच हुआ है ना,
वो थोड़ा फिर भी ग्लॉसी ज़्यादा है। और बाकी रह गया अभी ये, इसका भी काम ज़रा ये खोल रही हैं, देखें फिर। और ये टैंकी हो गई है और इसके ये हो गए हैं, यहाँ जो लगते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, वो भी हो गए। अच्छा अब ये उतर चुका है, अब ये उतारेंगे और इसको फिर ना इसी में रैप करेंगे जो सिंपल है, ट्रांसपेरेंट। एंड ये क्या है, ये ऑयल गिर है पता नहीं, चलें इसको बाद में देखते क्या सीन है इसका। खैर इसका ना एंड पे मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं, लेट्स सी। ये बैक वाला थोड़ा सा रह गया, बस इसको कर रहे हैं देन सी। यार यहाँ पे सारी ही इसी तरह की दुकानें हैं, मतलब आप इधर आओ, ये टेक्सटाइल वाली साइड पे है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये होंडा का शोरूम है ना, इसके बिल्कुल सामने। वी आर फाइनली बैक। जैसे कि बाइक का पूरा काम ख़त्म हो गया, जो भी रैप रैप करवाना था, बस अभी मुँह हाथ धो के आया हूँ। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खैर आप लोगों का ना एक फुल ओवरव्यू वीडियो बना के दिखाऊंगा बाइक की, कि कब लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, और फुल रैपिंग की भी थोड़ी बहुत उसमें डाल दूँगा। और अभी बस खाते हैं खाना और फिर देखेंगे रात को क्या प्लान होता है। सो मिलते हैं रात को इंशाल्लाह।